अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम पाकिस्तान के उस इलाके में जा रहे हैं जहां मुकामी लोग भी नहीं जा सकते थे, यानी कि मालम जब्बा। रोड्स बिल्कुल तबाह थी, होटल्स ना होने के बराबर थे, चे लिफ्ट तबाह थी। तो आज का मालम जब्बा आपको दिखाएंगे कि वहां के क्या सीन्स हैं, कैसा है मालम जब्बा। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं, स्टे ट्यून्ड जनाब। सुबह 4 बजे हम झेलम से निकले और 5:30 बजे पहुंच गए इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद से हमने पिशावर मोटरवे की तरफ टर्न लिया और पिशावर मोटरवे से होते हुए हम पहुंच गए सवात मोटरवे पर। इस मोटरवे की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है, जिसमें 80 किलोमीटर फेज़ 1 यानी M1 से चकदरा तक और 80 किलोमीटर चकदरा से आगे सवात के शहर फतेहपुर तक है। हेलो गाइस, 4 घंटे के सफ़र के बाद हम एक जगह पहुंचे हैं कतलंग नाश्ता करने के लिए। सुबह के 8 बज रहे हैं और कमाल का व्यू है पीछे माउंटेन्स का। और 4 घंटे के सफ़र के बाद तकरीबन हम कतलंग पहुंचे हैं। रास्ते में फॉग थी और मोटरवे भी बंद थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं। अब तकरीबन 2 घंटे का सफ़र हो रहा है मालम जब्बा। ये है हमारे बिशारत भाई, इन्होंने टूर अरेंज किया है। तो बताएं जी, आपने सबसे पहले बताएं कि आपने लेट क्यों किया। सर वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ड्राइवर साहब ऑलरेडी बुक पे थे तो वो रात को लेट आए हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत थी। वो 1 घंटे का उन्होंने बोला है, फ़ोन उनका ऑफ हो गया बैटरी लो होने की वजह से। लेकिन ये भी बेहतर हुआ है कि ड्राइवर को जितनी ज़्यादा नींद पूरी होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए स्टेबल होगा, क्योंकि रास्ते में धुंध देख लिया आपने। हाँ जी, तो मनान भाई आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम। अभी हम रास्ते में हैं और अब नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करने लगे हैं और बस बाकी आपको आगे जाके अब दिखाएंगे कि क्या करना है। तो मुख्तार भाई बताएंगे। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप भी ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। हम सवात के रास्ते में हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सवात में होंगे। बिल्कुल, अभी सवा भी पहुंचे हैं। तो ये देखें जी, नाश्ता हो चुका है। सो जनाब, नाश्ता हो चुका है, अब निकलेंगे हम मालम जब्बा के लिए और टाइम तकरीबन 9 होने लगे हैं। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं वहां पर और आपको दिखाएंगे वहां के नज़ारे और स्नो। तो जनाब, नाश्ता करने के बाद फॉग स्मॉग अचानक ही ख़त्म हो चुकी थी और मतलब बिल्कुल साफ हो चुका था। और जैसे जैसे सफ़र तय हो रहा था वैसे वैसे नज़ारे भी कमाल होते जा रहे थे। इस पहाड़ी सिलसिले में सफ़र को मज़ीद आसान बनाने के लिए 3 जगह पर पहाड़ों का सीना चाक करके सुरंगें बनाई गई हैं। सबसे लंबी सुरंग तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी है, जबकि बाकी 2 चंद 100 मीटर तवील हैं।
इस वजह से घंटों का सफ़र अब मिनटों में तय होता है। और इस्लामाबाद से चकदरा की मुसाफत 4 घंटों से कम होकर सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट रह गई है। आरामदेह सफ़र के साथ। ये अभी हम स्वात मोटरवे क्रॉस कर रहे हैं और अब शुरू होंगे स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान के नज़ारे। यह है फिज़ागट और यहाँ से मालम जबा 42 to 43 किलोमीटर्स है और मौसम बिल्कुल क्लियर है। ये सीधा रोड मालम जबा की तरफ जा रहा है। हाल ही में मालम जबा जाने वाली सड़क तामीर कर दी गई है और अब यहाँ हर किस्म की गाड़ी जा सकती है। मालम जबा रोड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहायत ही आरामदेह और महफूज सड़क बनाई गई है और इंशाल्लाह मुकामी लोगों को सहूलत के साथ साथ सियाहत के शोबे को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। मालम जब्बा से कुछ देर कबल ही गाड़ियों के हजूम ने हमें बता दिया कि ऊपर काफ़ी रश है। खैर, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें भी गाड़ी कुछ दूर पार्क करने का मशवरा दिया। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट और चेयर लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना होगा। लिहाजा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।